अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो तो सही, सच्चाई खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। हम अपने लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, दोस्तों के साथ मजा करते हैं, कहीं पर घूमने जाते हैं या दोस्तों और फैमिली के साथ बातचीत करते हैं, और यही चीज करने में हमें बहुत मजा आता है, और यही चीज करने में हमें कभी भी घबराहट या डर नहीं लगता, और यही सब करने के लिए डरना तो दूर के बात, हम डर के बारे में सोचते भी नहीं है, बस वही पर हमें मजा आ रहा होता है। लेकिन जब खुद के लिए कुछ करने की बारी आता है, तब ये आसमान टूट पड़ता है, डर का सुनामी आ जाता है, चुनौतियों का पहाड़ हम पर टूट पड़ता है, हमारा माइंड उलझ जाता है, माइंड में कुछ क्लैरिटी नहीं आता है, डर लगता है, घबराहट सी होता है, और ये सब इसलिए होता है कि हम बहुत सोचने लग जाते हैं, होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, हम फेल कर गए तो क्या होगा, और इसका कोई परमानेंट सलूशन नहीं है, कोई आपको टिप्स वगैरह देकर सीधे रास्ते पर नहीं ला सकता है। जैसा कि एक फॉर्मूला हर चीज के लिए नहीं होता है, ठीक उसी तरह हर टिप्स हर पर्सन के लिए नहीं होता है, और इस चीज का सलूशन कोई और नहीं बल्कि आप खुद ही निकाल सकते हो। Yes, इसका हल सिर्फ आप ही निकाल सकते हो। वो कैसे? और इस चीज का सलूशन निकालने के लिए आपको कुछ टाइम ठहरना पड़ेगा, कुछ दिन रुकना पड़ेगा, कुछ महीने रुकना पड़ेगा, कहीं अकेला बैठकर माइंड को शांत करना पड़ेगा, शांति से एनालाइज करना पड़ेगा आपके पैशन क्या है, आप करना क्या चाहते हो, जो भी आप करोगे उसके लेयर कितना है। जब कोई वीडियो एडिट करता है, उस ऐप में प्रोजेक्ट के साथ साथ लेयर का भी ऑप्शन दिया जाता है कि उस प्रोजेक्ट को आसानी से क्लियर कर सके। इसी तरह आपका जो पर्पस है, करना जो चाहते हो आप, उसका भी लेयर है। आपको एनालाइज करना होगा आपका जो हॉबी है, उस तक पहुंचने के लिए कितने सारे रास्ते अवेलेबल है। सब्जेक्ट के साथ साथ लेयर का ऑप्शन इसलिए दिया है कि आप आसानी से प्रोजेक्ट को क्लियर कर सको। उसी तरह आपका जो पर्पस है, उसके साथ साथ रास्ता भी आपको इंक्रीज करना होगा, ताकि आसानी से आप वहां तक पहुंच सको। प्रोजेक्ट यानी आपका गोल, लेयर यानी कि वहां तक पहुंचने का रास्ता। जब ये दो चीज में क्लियरिटी आएगा, तब हमारा माइंड भटकेगा नहीं, माइंड को एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा मंजिल तक पहुंचने के लिए। यही तरीका है हमारे माइंड को एक जगह फोकस रखने के लिए। जब हमें किसी बात या प्रोजेक्ट को लेकर क्लैरिटी होगा, हमारा माइंड भटकेगा नहीं, हमें डर भी नहीं लगेगा, घबराहट सी महसूस नहीं होगा, क्योंकि हमारा माइंड शांत है, शांत है, शांत है।